दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स को बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल के इतिहास में बहुत ही बड़ा महामुकाबला खेला जा रहा है और इस महामुकाबले में फाफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने है। आपको बता दें कि कैसे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और मैदान में आया भूकंप, और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस महामुकाबले में ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत का यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि पावर प्ले में पहले ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम के गेंदबाजों ने बेंगलुरु की टीम के दो बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के ओपनर बल्लेबाज अनुज रावत और फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करने के लिए आए, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने मुस्तफिजुर रहमान के हाथों में गेंद थमा दी। मुस्तफिजुर रहमान ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए अच्छी शुरुआत की। उन्होंने अपने शुरुआत के ओवर की दो गेंद बहुत ही बेहतरीन डाली और उन दो गेंदों पर बेंगलुरु की टीम के कप्तान डुप्लेसिस एक भी रन नहीं बना पाए। लेकिन इसके बाद जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर कप्तान डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगा दिया और बता दिया कि वो आज किस तरह से बल्लेबाजी करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को गुस्सा आ गया और इनको अगले दो गेंद भी डॉट खिला दी, और इसके बाद आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान ने इनको एक गेंद वाइड डाल दी, जिसके कारण आरसीबी की टीम को एक अतिरिक्त रन मिल गया। और इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने अपने लाइन और लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी की और अपने ओवर की बची हुई दो गेंदें डुप्लेसिस के सामने डॉट डाल दी। इस प्रकार से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 5 रन हो गया था। और इसके बाद दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरे ओवर के लिए गेंद अनुज रावत के हाथों में थमा दी। जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो वो गेंद सीधा अनुज रावत के पैरों में जा लगी और अनुज रावत चारों खाने चित होकर LBW आउट हो गए और इस प्रकार से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को पहला झटका लगा। और हम आपको बता दें कि इस महामुकाबले में अनुज रावत 0 रन पर आउट हो गए और ये बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए आरसीबी की टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, और जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर विराट कोहली ने दो रन दौड़कर पूरे कर लिए और इसी दौरान विराट कोहली ने अपना खाता भी खोल लिया। और इसके बाद जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उसमें विराट कोहली ने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक कप्तान फाफ डुप्लेसिस को दे दी। और इसके बाद शार्दुल ठाकुर के ओवर की चौथी गेंद पर डुप्लेसिस ने अपने बाजुओं की ताकत दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इनको पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार वापसी करते हुए अपने ओवर की बची हुई दो गेंदें डॉट खिला दी और इस प्रकार से ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए एक अच्छा होगा, क्योंकि इसमें शार्दुल ठाकुर ने अनुज रावत जैसे दिग्गज बल्लेबाज का विकेट चटका दिया। और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का स्कोर दो ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 12 रन हो चुका था। और इसके बाद डुप्लेसिस और विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में जब खलील अहमद बल्लेबाजी करने के लिए आए तो फाफ डुप्लेसिस इनके खिलाफ एक गलत शॉट खेल बैठे और जिसका भुगतान इनको अपना विकेट गंवाकर करना पड़ा और मुकाबले में डुप्लेसिस अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए और उन्होंने अपनी टीम के लिए मात्र 8 रन बनाए। इसके बाद अब मैदान पर विराट कोहली का साथ देने के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल, और मैदान पर विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी बेंगलुरु की टीम का स्कोर 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन हो गया है। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने 19 रन बना लिए हैं और खेल रहे हैं, और विराट कोहली 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सामने क्या लक्ष्य रख पाएगी या फिर? दोस्तों, आईपीएल में टीमें जीत रही हैं तो कुछ हार रही हैं, लेकिन एक ऐसी भी टीम है जिसने अब तक जीत का मुंह तक नहीं देखा। आपने सही पहचाना, वो टीम है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की टीम दोस्तों लगातार अपने 5 मैच हार चुकी है और शायद उन्हीं की वजह से आईपीएल में इतना मातम छाया हुआ है। मुंबई की टीम की दोस्तों कितनी फैन फॉलोइंग है हम सभी जानते हैं। रोहित शर्मा की टीम को सब जीतता हुआ देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये टीम है कि जीत ही नहीं रही और आज इसकी अग्नि परीक्षा होगी लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ की टीम तो टॉप 5 में आती है, तो मुकाबला तो कांटे की टक्कर का होगा ही, लेकिन आज रोहित शर्मा को अपनी तकदीर को बदलकर टीम को जिताना भी है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेम टीम के साथ उतरे तो सेम ही तो रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए दोस्तों रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग 11 या फिर प्लेइंग पल्टन में बड़े बदलाव करेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं
कि रोहित शर्मा की टीम में वो कौन से खिलाड़ी किस नंबर पर खेलेंगे और क्या बदलाव होगा और क्या होगी फाइनल प्लेइंग 11 जो मुंबई इंडियंस की टीम को आज पहली जीत दिलाएगी लखनऊ के सामने। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मुंबई की टीम की सलामी जोड़ी की। आपको बता दें कि सलामी जोड़ी में तो खुद कप्तान रोहित शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी के साथ उतरते हैं यानी कि ईशान किशन। अब ईशान की फॉर्म इस बार के आईपीएल में तो नहीं दिख रही, लेकिन जाहिर सी बात है उन्हें टीम से बाहर करना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि प्रेशर भरी सिचुएशन में 15 करोड़ के खिलाड़ी को आजमाया नहीं तो आखिरकार उन्हें टीम में लिया ही क्यों जाएगा फिर। तो दोस्तों सलामी जोड़ी में तो हमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा और ना ही इस टीम के मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि सबसे तगड़े खिलाड़ी तो टीम के मिडिल ऑर्डर में ही बैठे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम के मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, कायरन पोलार्ड और डेवाल्ड ब्रूस बैठे हैं। दोस्तों चारों खिलाड़ियों की फॉर्म अच्छी है केवल एक को छोड़कर, कायरन पोलार्ड की। दोस्तों पोलार्ड कभी चलते हैं तो कभी नहीं, ऐसे मुंबई के लिए किसी खोटे सिक्के से कम नहीं बन गए हैं। परंतु जाहिर सी बात है कि पोलार्ड के पास इतना अनुभव है कि वो हारे हुए मैच को जीत में तब्दील करना जानते हैं, इसीलिए दोस्तों पोलार्ड भी हमें टीम में ही दिखेंगे। लेकिन दोस्तों जो बदलाव होंगे वो होंगे टीम के गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। आपको बता दें कि स्पिनर से लेकर तेज गेंदबाज अब बदले जाएंगे। दोस्तों जयदेव वनातकट, बसिल थम्पी और जसप्रीत बुमराह तो टीम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अब मुर्गन अश्विन की जगह हमें टीम में मयंक मारकंडे नजर आ सकते हैं। मुर्गन अश्विन ने कुछ भी नहीं किया है अब तक 5 मैचेस में, ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए पार्ट टाइम के तौर पर, इसीलिए दोस्तों मयंक मारकंडे को आजमाया जाएगा क्योंकि सालों से मुंबई से जुड़े हैं और अच्छी स्पिन गेंदबाजी का दाव खेलना जानते हैं। तो वहीं टाइमल मिल्स की जगह जिनकी जमकर धुनाई हुई थी अभी पिछले ही मैच में, उनकी जगह दोस्तों रायली मैड्रिड को लिया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और तूफानी गेंदबाजी कराने का दम रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाएगा और बल्लेबाजी में स्टेबिलिटी लाने का काम करेंगे रोहित शर्मा। दोस्तों शानदार शुक्रवार को सीसीआई में हुआ सूर्य उदय और सनराइज हैदराबाद ने लगा दी जीत की हैट्रिक। पहले दो मुकाबले हारने के बाद आपको बता दें कि केन एंड कंपनी ने किया जबरदस्त पलटवार, तो वहीं केकेआर को मिल गई उसके सीजन की तीसरी और लगातार दूसरी हार। आखिर कैसे सनराइजर्स ने किया केकेआर को चारों खाने चित, किस तरह एक फॉर्मर केकेआर प्लेयर ने अपनी ही पुरानी टीम को गहरे जख्म दे दिए, क्या रही हैदराबाद की जीत के मायने। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि राहुल त्रिपाठी और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मुंबई के सीसीआई स्टेडियम में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी और इस मैच में केकेआर एक नई ओपनिंग पेयर के साथ उतरी। वेंकटेश अय्यर के साथ एरोन फिंच ने नाइट्स के लिए पारी की शुरुआत करी, लेकिन सिर्फ एक बड़ी हिट लगाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सके और केकेआर के लिए डेब्यू मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर युवा पेसर मार्को यानसन का शिकार बन गए। वहीं दूसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर का बल्ला फिर से फ्लॉप रहा, पावर प्ले में ही इनफॉर्म नटराजन ने आते ही पहली ही गेंद पर वेंकटेश के स्टंप्स बिखेर कर उन्हें सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद केकेआर ने रणनीति में बदलाव करते हुए सुनील नारायण को ऊपर प्रमोट किया और नारायण ने पहली गेंद को ही स्टैंड्स में भेजकर बेहतरीन अंदाज में अपना खाता खोल लिया। लेकिन नटराजन ने शानदार वापसी करते हुए नारायण को चलता कर एक ही ओवर में 2 विकेट देकर केकेआर को बैकफुट पर धकेल दिया। महज 31 रन के भीतर ही केकेआर के 3 बड़े विकेट ढह चुके थे और नाइट्स की लड़खड़ाती पारी को संभालने का दारोमदार कैप्टन श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा के कंधों पर आ गया। अय्यर और राणा की जोड़ी ने यहां से संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन खराब गेंदों पर बाउंड्रीज लगाने से नहीं चूके और वहीं 8वें ओवर में केकेआर ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया और फिर अगले ओवर में नए गेंदबाज जगदीश सूचित को 2 चौके लगाकर अय्यर और राणा अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। पर जैसे ही अय्यर और राणा की साझेदारी खतरनाक होती दिखी, 10वें ओवर में युवा उमरान ने एक्सप्रेस पेस से श्रेयस अय्यर को चारों खाने चित करते हुए उनके स्टंप्स बिखेर दिए और अय्यर का बड़ा विकेट निकालकर केकेआर की मुश्किलें बढ़ा दी। अय्यर 25 गेंदों में आपको बता दें कि 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 70 पर केकेआर को चौथा झटका दिया। हालांकि एक एंड पर राणा जी ने अच्छे से पकड़ कर रखा हुआ था और हैदराबाद के गेंदबाज जमकर बरस रहे थे। उन्होंने नटराजन को एक ओवर में चौका और छक्का जड़ा और फिर उमरान मलिक की एक गेंद को स्टैंड्स में भेजकर अपनी मंशा साफ कर दी, पर फिर दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही केकेआर ने 13वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया, फिर से उमरान ने एक तेज गेंद से शेल्डन जैक्सन का
का काम तमाम करके कोलकाता की कमर तोड़कर रख दी और 103 के स्कोर पर आधी केकेआर की टीम को पवेलियन की राह दिखा चुके थे। लेकिन नीतीश राणा डटे हुए थे और उन्होंने 33 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ दिया। वहीं आंद्रे रसेल ने भी आते ही मार्को यांसन के ओवर में एक बड़ा छक्का लगाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। रसेल और राणा के छठवें विकेट के लिए आपको बता दें कि 26 गेंदों में 39 रन की पार्टनरशिप की। हालांकि 18वें ओवर में राणा 36 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेलकर नटराजन के तीसरे शिकार बने और आपको बता दें कि इसके बाद सीसीआई में आंद्रे रसेल का तूफान आया और एसआरएच के गेंदबाज रसेल पावर के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दिए। आखिरी 3 ओवर में केकेआर ने 37 रन जड़ दिए जिसमें रसेल द मसल ने आपको बता दें कि चौके छक्कों की बरसात करते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी।